आगे बढ़ते हुए हम पहुंच रहे हैं। आज जो सेशन है वो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। जितने हमारे फाउंडर साथी हैं, अगर उनकी कोई समस्या है तो आज उसका समाधान दिया जाएगा। हमारे दो ग्रेट लीडर, तीन ग्रेट लीडर मौजूद रहेंगे समाधान देने के लिए। सर्वप्रथम व्यास जी, मुसर्रफ जी और उमा शंकर जी, ये लोग हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। आपकी आईडी से रिलेटेड, आपकी मेल से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो, जो भी आपको दिक्कत आ रही हो, आप निसंकोच इस प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप, और अपना क्वेश्चन आप आकर रखें, अवश्य रखें। क्योंकि अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मान लो हमने आईडी खोली, लॉगिन की और उसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम उसे नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो आपकी समस्या का समाधान हमारे ग्रेट लीडर्स के द्वारा दिया जाएगा। तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर कि हम सभी लोग अपना वक्त निकालते हैं और इस पर उपस्थित होते हैं। लेकिन ये वक्त भी हमारा है और ये कंपनी भी हमारी है। ये वक्त हम अपने लिए निकालते हैं, ना कि किसी और के लिए। बहुत सारे हमारे फाउंडर साथी मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि हम कोई एहसान करेंगे, ये घंटे डेढ़ घंटे। अरे भाई, हम लोग आपके लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था करके रखे हुए हैं कि जिससे आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो सके, साथ साथ में हम लोग बैठकर एक दूसरे से अपनी शेयरिंग रख सकें, अपनी बात रख सकें। तो ये सब हम सबका प्लेटफॉर्म है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। ना ये मनोज सर का है, ना ये मतलब सर का है, ना ये उमा जी का है, ना ये मेरा है, ना चंद्रभूषण जी का है, ना झा साहब का है, ना राजपाल जी का है। ये हम सभी फाउंडर साथियों का प्लेटफॉर्म है कि आए और 60 टाइम में अपनी बात रखें और हम सबको प्रेरित करें कि हम लोग किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़कर ऊंचाइयों को छुएं। तो राजपाल जी, आपके लिए एक शेर जरूर बनता है, मैं आज थोड़ा सा बोलूंगा आपके लिए, तो काफी समय के बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। राजपाल जी आइए, अपनी शेरिंग रखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर से। दोस्तों, जितने भी ऑन पेंसिल के लीडर, हमारे सीनियर जैसे उमा शंकर जी, मनोज जी, कमल जी, जितने भी हमारे लीडर जो भी मुझे सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और कुछ दिनों पहले मेरा थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुझे तो ड्यूटी ऐसी चल रही थी, नहीं बोल पा रहा। आज मुझे मौका मिला बोलने का, तो मैं कुछ थोड़ा अपना जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, आज जो बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आंसर का भी हमारा कुछ अलग अलग टाइम रखा गया है। आज हमारा क्वेश्चन आंसर होगा, कोई किसी की समस्या है तो अपनी समस्या आगे रख सकता है। ये बहुत अच्छा रहेगा, ये हमें नई नई जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों, वैसे आपको पता होगा कि हमारे मुशरफ जी, एज मुशरफ जी को 20 वर्ष का अनुभव है इंटरनेट का, और उनको इंटरनेट की नॉलेज होने के कारण जिन्होंने हमारी जिंदगी बदलने के लिए सोचा है। पता नहीं कितने लोगों को कितनी किस इस प्रकार की जानकारी है, लेकिन उन्होंने किसी के भले के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। लेकिन एक ऐसा मुशरफ जी है जिन्होंने हमारे, उन्होंने 20 साल का अनुभव से हर आदमी की सोच बदलने का, इनकम आने का एक तरीका बदलने का निर्णय लिया है। क्योंकि सबकी जिंदगी बदलने वाली है इनकी सोच। और ऑन पेंसिल तो दोस्तों मैं कहता हूँ एक किस्म का अखबार की तरह, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं और आदत बन चुकी है कि आज की क्या समाचार आया, आज क्या होने वाला है, आज दुनिया में क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, जिस प्रकार से लोग अखबार पढ़ते हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक किस्म का अखबार की तरह ही समझो आप ऑन पेंसिल को। आज शाम को सुबह उठते ही अपने मोबाइल को चेक करो कि रात को क्या हुआ है, कौन ज्वाइनिंग हुआ है, किसने क्या किया है, आपको एकदम कोई नई नई जानकारी मिलेंगी। जैसे बोला जा रहा है कि बार बार अपना अपना बैकअप चेक करें, उसमें नई नई जानकारी मिलेगी, नई नई चीज मिलेंगी। और आने वाले टाइम में तो आपको ये भी पता लगा कि हर कोई उठते देखूंगी कि हमारी इनकम कितनी आई मिलेगी, ये भी कुछ होने वाला है। कहते हैं ना दोस्तों, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जैसे कि मुशरफ जी ने बदल दिए, और नाकाम लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैंने ये लगी, देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखो हमने एक बार ही पैसा देना है, वो कुछ दिनों में आपके सामने रखा जाएगा, शायद वो 200, 250, $300 जो भी होगा, तो हमने एक बार पैसा,
देखना है कि वो नहीं कि हमने हर बार हर महीने अपना कुछ पैसा देना है। कंपनी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपकी इनकम में से आप जो बैकअप चेक कर रहे हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं, आपकी जो इनकम बन रही है उन्हीं पैसों से, उन्हीं में से परसेंटेज के हिसाब से आपके हर महीने का जो आपने पे करनी है वो आपने अपनी जेब से नहीं करनी है, कंपनी अपने आप ही सिस्टम कंप्यूटर ऑटोमेटिक काट लेगा आपकी इनकम में से, और आपको पता नहीं लगेगा कब हमारी पेमेंट जमा होगी। तो ऐसा भी अभी आपने शुरुआत है, अभी तो कुछ समझे भी नहीं होगे कि ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप हैरान हो जाओगे। और एक दोस्तों यह एक ऐसा इनकम का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा इनकम का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, आने वाले टाइम में आप जिधर भी देखोगे आपको इनकम ही दिखाई देगी। वो कहते हैं ना ज्वालामुखी ज्योत जलती है, वह कैसे जलती है इसी को नहीं पता और कोई पता लगा भी नहीं पाएगा। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ ओन पैसिव का ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा इनकम का सिस्टम तैयार हो रहा है कि इसका कोई डुप्लीकेट बनाने वाला नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। कितनी भी जानकारी करते, कितनी भी कितनी भी खोज लगा ले, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनको त्रुटियां कमियां मिलेगी, पूरी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तो जो जलती है उसको कोई पता नहीं लग पा रहा है कहाँ से जल रही, वही एक ओन पैसिव सिस्टम आपके सामने आने वाला हो रहा है। दोस्तों आने वाले समय में एक नई स्थिति जरूर होगी कि आप गिनती कहते हैं आपको आने वाले समय में नहीं है कि आपको हर बार आदमी जोड़ना है, आदमी को जोड़िए तो बार बार ही बोला जा रहा है कि आदमी आपने जोड़ने नहीं है, आप जोड़ोगे तो अच्छा है, किसी को बताओगे तो अच्छा है, उसकी जिंदगी पलट जाएगी। आप किसको बदलना चाह रहे हो, किसी जिंदगी पलटना चाह रहे हो तो किसी को बताओ, अगर आप किसी को नहीं बदलना चाह रहे तो मत बताओ, आप अपना जानकारी लो। आने वाले टाइम में कुछ लोग कहते हैं ना आदमी कहाँ से आएंगे, आपको पता होगा आने वाले टाइम में आदमी की जरूरत नहीं है। इसमें एक किस्म की आपने एक री एंट्री के बारे में कभी कई बार सुना होगा बीच में, एक री एंट्री का सिस्टम, ऐसा सिस्टम लागू होने वाला है कि ऑटोमेटिक ही हमारे एक दूसरे की एंट्री आती रहेगी, लोगों को हमारी कहाँ से एंट्री आ रही है। तो इन चक्रों में मत रहिए कि मैंने ये किया मैंने ये नहीं बनाया, बस सिर्फ ये कि इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि घर में टीवी है, फ्रिज है, मोटरसाइकिल लाते हैं, कार लाते हैं, इत्यादि खरीद कर लाते हैं, ओन पैसी भी आने वाले टाइम में ऐसा आदमी के दिल में आएगी कि ओन पैसी तो हर कोई इसको कनेक्शन लेना पसंद करेगा। कहते ना तो जब ओन पैसी देखना और ओन पैसी चल जाएगा, जब देखना आपने घरों में, जब मैं तो कहता हूँ वह उस टाइम में आप देखना आने वाले टाइम में घरों में झगड़ा होना भी बंद हो जाएगा। क्यों? लोगों के पास टाइम ही नहीं होगा इतना टाइम बकवास करने का, हर आदमी इतना बिजी हो जाएगा उसको मोबाइल देखने से फुर्सत ना मिलने वाली। देखना आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा जितने घर में जब इतने मोबाइल को जगह कोनों में ले बैठे मिलेंगे, और वही बातें चलेगी आपकी कितनी इनकम आई, मोबाइल कितनी आई, आपकी कितनी आई। ये सरकार द्वार कर्फ्यू लगा रही है ना, ये कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ऑटोमेटिक लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे, ये होने वाला है। बहुत कुछ मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया इतनी बदलने वाली है, इतनी बदलने वाली है कि मैं आपने कुछ इतना सोचा भी नहीं होगा। दूसरी बात पर पांडे जी ने बताया कि मीटिंग, दोस्तों ये हकीकत में है, आपका जहां भी मीटिंग का जो टाइम रखा गया है मैंने कहा 7 बजे का, तो आप अर्जेंट में एकदम से तैयार रहिए कि किस समय क्या बात बताई गई, किस समय क्या आपके काम में आने वाली चीज है। तो कहते हैं ना मीटिंग देखने से आपका हौसला जागेगा और नई क्रांति आएगी आपके अंदर। तो दोस्तों कुछ लोगों ने हमारे हर रोज मीटिंग अटेंड करते हैं, किस लिए करते हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है, लेकिन क्या मिलता है, जो आज जो अनुभव मिल रहा है, आज जो जानकारी मिल रही है आपको 2 महीने 6 महीने 8 महीने साल के बाद ये नहीं मिलने वाली, और जो आज जो जानकारी मिली ये ही हमारे को भविष्य में काम आने वाली है। जब आपको याद होगा अगर उस समय मैंने ये कुछ कराया होता तो बहुत अच्छा था। अब जैसे आपने देखा कि हमारे नीरज जी, हमारे मनोज जी, जो कितनी ये हर रोज ओन पेशी के बारे में कुछ न कुछ हर जगह नई नई तकनीक नई नई जानकारी देने के लिए तैयार रहते हैं, क्यों सीखते हैं, और ये चीज हमारे आने वाले काम आने वाली है। और पहले तो क्या था, पहले पैसे कमाने के लिए हमारे बाप दादे ने क्या करना पड़ता था, बड्डे खोदने पड़ते थे, बड्डे
अब तो उसको बड्डे के साथ, आजकल की दुनिया बच्चे तो कुछ जानते भी नहीं होंगे बड्डे क्या होते हैं। और अब क्या है, अब तो एक मोबाइल चलाने से पैसा कमाने का तरीका आ गया। ऐसा ऐसा मुशरफ जी ने ऐसा सिस्टम निकाल दिया, घर बैठे ही रिजाई में बैठे हुए मोबाइल हाथ में लेकर के फिल्म देखते देखते अपना मनोरंजन करते करते पैसा कमा सकते हैं। कोई बाहर पसीना नहीं बहाना, कोई बड्डे खोदने नहीं जाना। तो आज घर में बैठकर ही पैसा कमाने का आपके पास मौका है, अगर ये आपने सीखना हो है, सीखेंगे तो ऐसा। जिस प्रकार से कहते हैं आवाज आ रही, मैं तो कहता हूं दोस्तों, जिस प्रकार से मोदी सरकार आज फ्री में राशन बांट रही है, फ्री में गेहूं बांट रही है, और उदाहरण देता हूं, ये ओन पैसी भी एक ऐसी कंपनी है आपको बिल्कुल फ्री में पैसा बांट सकती है। लेकिन क्यों नहीं बांटना चाह रही, सुनना चाहेंगे? मैं सुना देता हूं क्यों नहीं बांटना चाहती। मोदी जैसे प्रकार से गेहूं बांट रहा है, मेरा कहने का तात्पर्य उसी प्रकार ओन पैसे भी फ्री में पैसा बांट सकती है, लेकिन क्यों नहीं बांटना चाहती। जैसे कि आज गेहूं की लाइनों में जब कोई लगता है तो उसमें थोड़ा आदमी हिचकता है, यार मैं तो मेरे पास मैं कार्ड में गेहूं लाइन में लगूंगा, कहेंगे यार तू तो पैसे वाला बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, मैं गरीब नहीं हूं, तो आदमी हिचकता है, जबकि राशन कार्ड सबने बनवा रखे। तो ओन पैसे का कहना यह है कि हम आपको फ्री में नहीं देंगे, हम एक छोटा आपको अमाउंट ले रहे हैं, ताकि आप छोटा सा एक अमाउंट लेकर के आप लाखों करोड़ रुपए हमसे बेझिझक से ले सकते हैं, तड़ी से ले सकते हैं कि मैंने ओन पेशी में एंट्री ली थी इसलिए मुझे ये पैसा मिल रहा है। उसकी आपको वैल्यू, आपको गर्व होगा कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ पैसा लगाया था इसलिए मुझे पैसा मिल रहा है। जैसे कि दूसरी तौर पर मैं ये भी कह सकता हूं, एक बार किसी ने खाना बांटने के लिए लगा दिया कि भाई हर इंसान यहाँ खाना खाए, लेकिन उसमें क्या था, हर आदमी नहीं खाता था, मीडियम ज्यादा गरीब आदमी इस प्रकार का आदमी खाना खाने लग गया था। तो आम आदमी कार गाड़ी वाला, स्कूटर वाला, गाड़ी वाला, अब तरह का आदमी खाना नहीं खाता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रुपया अमाउंट रख दिया खाना खाने के लिए, एक रुपये में पेट भर खाना खाइए, और इतना मटर पनीर धर्म काम कर रहा था, इतनी चीजें बनाते थे कि आप एक रुपए में पेट भर खाना खाइए, लेकिन एक रुपया जिस पनीर होगा उसको खाना नहीं मिलेगा, कंडीशन रख दी। तो क्यों रख दी, कि जो भी बंदा क्या था, रुपया देने के मारे हर कोई आदमी वहां खाने खाने लग गया, कि कोई ये ना समझे कि मैं तो वहां फ्री में खा रहा हूं। वो तड़ी से खाना खाता था, पेट भर खाना खाता था, अमीर भी गरीब भी, गाड़ी से उतर के भी, पैदल चलने वाला भी, मोटरसाइकिल भी, वहां सब खाना खाने लगे। क्यों, किसी के अंदर कोई हिचक नहीं थी कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अमीर हूं। भाई आपने भी एक रुपया दिया है, मैंने भी एक रुपया दे के खाना खा रहा हूं, मैं कोई फ्री में नहीं खा रहा हूं। तो मेरा कहना तात्पर्य है, इसी प्रकार से ओन पेशी जो आज आपसे जो अमाउंट ले रही है, कुछ लोग कहते हैं ये अमाउंट क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि आपको 8,000 रुपया लेने के बदले में आपको 8 करोड़ रुपया को हजम कर लें और खुश होकर को ले सके। तो इस प्रकार से ये सिस्टम बनाया जा रहा है, बहुत बदलने वाले इंडिया। और दूसरी बात दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज आपको 4 दिन से मैं देख रहा हूं कि 4 दिन हमारी वीडियो यूट्यूब पे, जितनी भी हमारे सेमिनार वीडियो जूम मीटिंग जितनी भी हो रही है, उनमें सब में क्या बताया जा रहा है कि सब अपनी अपनी आईडी को लॉग इन करें, अपनी अपनी आईडी को चेक करें, प्रोफाइल को चेक करें, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी आईडी नहीं खुल रही है, आपका कुछ नहीं हो रहा है। ये क्यों बताया जा रहा है, आपके आने वाले टाइम के लिए बताया जा रहा है। और कुछ लोग अभी भी चेक ही नहीं कर रहे हैं, और बाद में वो क्या कहेंगे, मेरी ये दिक्कत आ रही, मेरी वो दिक्कत आ रही। दोस्तों ये किसी एक दूसरे का काम नहीं है, ये सब ये ओन पेशी पे ऐसी चीज है जो अपना समझेगा उसी के पास सिस्टम मजबूत होने वाला है। ये एक दूसरे का किसी का कोई सिस्टम आपने किसी को बता दिया तो ये समझो उनने मेरे को एक बड़ी चीज मेरे हासिल कर दी, मेरे को दे दी है, आपने उसको संभाल के रखना आपका फर्ज है। तो इसलिए 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, 2 दिन का टाइम है, जिस भाइयों ने अपनी आईडी ईमेल आईडी अगर कुछ दिक्कत है, कोई खोल कर नहीं देख रहा है, चेक नहीं कर रहा है आपकी आईडी खुल रही है नहीं खुल रही है, तो वो उसका जिम्मेवार कौन होगा, आप होंगे। बाद में ये नहीं कहना यार राजपाल यादव जी आपने हमारे को ज्वाइनिंग किया था आज हमारे ये हो रहा है, उसके जिम्मेवार आप हो सर। आपने जिसको भी आपने ज्वाइनिंग किया है वो आज आपके 2-3 दिन के अंदर ये समस्या सुन सकता है, उसके बाद उसके जिम्मेवार खुद ही होंगे।
और ये बहुत खुशी हुई कि आज आप आज का जो प्रोग्राम है वो क्वेश्चन आंसर का रखा हुआ है। अगर आप जितने भाई मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है नंबर वाइज आकर के, आज मैं तो कह रहा हूँ आपने जो भी दिल में कोई कमियां हैं, कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, आज अपना बेझिझक क्लियर करिए। ये आपका अपना बिजनेस है, आपको हम ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको ये मीटिंग का सिस्टम बनाया गया है, आपको बताने के लिए हम तैयार हैं। इसमें एक दूसरे को कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा है कि एक दूसरे का आने वाला टीम, अब क्या होता है कि दूसरे का भला नहीं करते, ये ऑन पेशेंट चाहता है एक दूसरे का भला करना सीखे, लेकिन भला करने का भी कोई टाइम होता है। अब ये नहीं है कि आज आपको जो चीज बताई जा रही वो आज ही काम आने वाली है दोस्तों, वो 10 दिन के बाद नहीं है। अगर आज उन बातों को आप नहीं सुनोगे, उन पर अमल नहीं करोगे, तो उसका बताने वाले का नुकसान नहीं है, वो आपका नुकसान है। तो मैं तो ये कहता हूँ आप अपनी पूरी गहराई से ओन पेशिव को अपनाओ, दिल से अपनाओ, ताकि आपको भविष्य में आगे लेकर के जाए। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा और अपनी पूरी जानकारी ले, ओन पेशिव आज हमारा 80% तैयार हो चुका है, 20% होने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप नई जानकारी लेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, अपनी जानकारी ले और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। ओमेल के बारे में, तो ओमेल जैसे ही ओपन करता हूँ मैं, तो उसका लास्ट में एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो उस सेटिंग में जीमेल का चेंज करना है क्या, रेगुलर जीमेल रखना है उसमें? जी सर, मुशर्रफ सर प्लीज। समझ गए सर क्वेश्चन? जो ओमेल में जो सेटिंग में ऑप्शन है रेगुलर ईमेल रखना है क्या, अभी ओमेल आए से वही रखना है अपडेट के लिए? जी श्रीनिवास जी, आपका जब वो सेटिंग ऑप्शन आप जाते हैं तो आपको आपका जो मेल आईडी है वो ऑटोमेटिकली आपके वहां पे दिखता है, पर @gmail.com नहीं दिखता है, ठीक है? हाँ सर, इसमें क्या है कि आपको @gmail.com ही है? नहीं, मैं आपके क्या बोल रहा हूँ, हाँ जब आप वो मेल फर्स्ट टाइम, एक्चुअली कहाँ से आवाज आ रही है प्लीज जरा सा, आपकी तरफ डिस्टरबेंस हो रहा है, आप उसी टाइम अनम्यूट करें जिस टाइम आप बोले, और उसके अलावा आपने आपको म्यूट कर लें, क्यों डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी तरफ से? हाँ, ये काफी देर से आ रहा है जी। ऐसे क्या है कि जिनका भी ओ, जी जी, जब आप ओ मेल का इस पे जाते हैं तो जो आपका ओ मेल का सेटिंग जब आप अपडेट करते हैं, ठीक है, उसमें जो आपका फर्स्ट जो रहता है एक यूनिक यूजर नेम बोल करके ऊपर लिख के आता है, ठीक है, और नीचे जो बॉक्स रहता है वो बॉक्स में आपका टोटल मेल आईडी आ जाता है, पर उसमें @gmail.com नहीं आएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। और उसके बाद आपका omail.ai लिख के आता है, तो एक यूनिक आईडी, यूनिक आईडी मीन्स या तो आप सेम मेल आईडी उसका जो आपका है वो आप रख सकते हैं, पर @gmail.com आपको डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर आपको उसको चेंज करना है, ठीक है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई यूनिक आप रख सकते हैं, मतलब कि आपके नाम के बाद कुछ भी आप उसमें ऐड करके रख सकते हैं, बट ये है कि वो सेम चीज किसी से मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी जब आप कोई यूनिक आईडी डालते हैं तो हमारा जो 11 मिलियन प्लस जो फाउंडर है वो कहीं से भी वो सेम कैटेगरी या सेम अल्फाबेट मैच नहीं होना चाहिए, जैसे ही मैच होता वो नहीं लेगा। जी प्लीज एक मिनट जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। एक्चुअली सेटिंग में ये जाकर के जो पूछ रहे हैं ना, वहाँ पे हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर है, बोलिए। ओके ओके श्रीनिवास जी, एक्चुअली आप आपका ओमेल का क्रिएट हो चुका है, ठीक है? हाँ, क्रिएट हो चुका है सर मेरा, बिल्कुल ओके। अब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रोफाइल आता है, ठीक है? हाँ, प्रोफाइल आता है सेटिंग में। अब प्रोफाइल में आपका नाम और आपका सेकंड नाम और आपका ईमेल ऑटोमेटिकली, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है जीमेल वाला, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है वहाँ पे आपको। हाँ, जीमेल में, जीमेल तो ले लिया मैंने, तो अभी अपडेट नहीं किया, वही क्वेश्चन था मेरा।
बिल्कुल बिल्कुल आपने वही रखना है क्योंकि ईमेल तो आप क्रिएट हो चुका है। अब ईमेल जो ओमेल वाला आईडी है ओमेल पे ओमेल वाला ही आईडी आप नहीं डाल सकते। हाँ ठीक है। और आपका ऑलरेडी जो को फाउंडर में ऑन पैसिव में जो रजिस्टर्ड ईमेल है वो जीमेल वाला है तो वो उसने ऑटोमेटिकली ले लिया हो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। ठीक है ओके सुनते सर। ओके जी ओके सर ओके वही पूछने सेटिंग में सेटिंग में ओमेल में जो सेटिंग में जाते हैं ना अपन उसको रिप्ले रिप्ले का ऑन ऑफ का ऑप्शन है ना वो ऑन करना है ऑफ करना है रिप्लाई का जो सिस्टम है ना ऑटोमेटिक ये एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज जो भी है ना प्लीज म्यूट कर लिया कीजिए डिस्टरबेंस होती है सभी को सुनने में। ये देखिए आप लोगों के लिए भी जो आंसर मिल रहा है ना ये एक बेनिफिट दे सकता है तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखिए जब आपकी बारी आए तभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज रिक्वेस्ट है। देखिए कितना उन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसके रिगार्डिंग मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ। ऑटो रिप्लाई का मतलब होता है कि जब आपको कोई मेल आए ठीक है आपके ओ मेल के अंदर आपके इनबॉक्स में तो उसका रिप्लाई ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति तक पहुंच जाए ठीक है। अब होगा क्या इससे ऑटोमेटिकली रिप्लाई कैसे पहुंचेगा कि भाई हाँ आपका जो ईमेल है ना वो रिसीव हो चुका है ऑटो रिप्लाई से ये चीज जाएगी ठीक है। ओके सर ओके थैंक यू ओके ओके सर मनोज सर थैंक यू वेलकम। हाँ और इसको आप मतलब रख सकते हैं अब वो आपकी अपनी मर्जी है इससे ये सिर्फ हो जाएगा कि आपको मतलब आपको इनबॉक्स में आया और आपने एक दिन के बाद देखा या तो अगले को ये पहुंच जाएगा कि आपको रिसीव हो चुका है ईमेल। मैंने बहुत बहुत सुपर ये ओमेल का मैंने ट्राई किया मेरा फ्रेंड्स और मेरा फ्रेंड्स के भी बहुत चैट प्रिपेयर किया है ना ओमेल का बहुत एकदम एक्सपर्ट के नॉलेज पे चलता है टेक्नोलॉजी के पास। बिल्कुल बिल्कुल ओमेल का जो हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को उसके उस चैट करने के लिए मैसेज देने के लिए बहुत ही एक एआई के बेस के ऊपर मेरे को अच्छा लगा कि न्यू फ्यूचर का मेरे नाम पर कुछ मिला है मेरे को। क्वेश्चन था ओमेल के बारे में तो अपन ओमेल दूसरे को सेंड किया तो वो देखा या नहीं देखा पर्सन का रिप्लाई दिखता है क्या ओमेल में। एक चीज थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ मतलब ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है आप कोई भी जो आप ड्राफ्ट बना के रखे हैं ना ड्राफ्ट में ठीक है ऑटो रिप्लाई के फंक्शन से जो ड्राफ्ट में आपने बना के रखा हुआ जो मैसेज वो मतलब ऑटोमेटिकली उस टाइम और डेट वहाँ पे आपको एक टाइम और डेट वगैरह मेंशन करके रखना होगा डेट उस टाइम पर वो मैसेज पहुँच जाता है। ओके सर ओके 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 लेकिन पूरी तरह से मेरे को समझा था लेकिन कुछ डिफरेंस कहना चाहता है करके मैं क्वेश्चन रखा था सर बहुत ही अच्छा मेरे को समझा थैंक यू। कि मैं ओमेल लॉगिन कर रहा हूँ तो ओमेल में थोड़ी दिक्कत आ रही है अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है इसमें लिख के आ रहा है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट द सपोर्ट टीम विल बी कॉन्टेक्टिंग यू शॉर्टली अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस। ओके उमानवाल जी आपको ना थोड़ा सा वेट करना होगा ठीक है क्योंकि जी सर जैसा भी इस बारे में बताया जा चुका है ओमेल जब स्टार्टिंग में आया था तो सबसे पहले सिर्फ 10,000 फाउंडर्स को ही असेस मिला था उसके बाद 20,000 को ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 140,000 तक कैपेसिटी की गई थी। अभी आज की डेट में भी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच हो चुकी है लेकिन ओमेल को बहुत ज्यादा लोग जो क्या पसंद कर रहे हैं यूज कर रहे हैं तो जितने लोगों ने उसको असेस कर लिया है मेरे ख्याल से शायद मे बी पॉसिबल कि आप जिस नंबर पे हैं या जिस डेट पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस नंबर तक अभी आपका आपकी पहुंच ओमेल तक नहीं हो पाई है तो थोड़ा सा वेट कीजिए डेफिनेटली आपको भी मिलेगा असेस। जी सर थैंक यू। उनको भी ओमेल आ रहा है कोई और भुवनेश जी
पूछना चाहता है कोई क्वेश्चन? जी चलो, मैं कह रहा हूँ कि जिनको भी वो मेल मिल रहा है तो उसको हम कंटिन्यू कैसे कर पाता इसके। कोई सवाल है या अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं तो आप अपना शेयरिंग रख सकते हैं। जी नहीं, मेरा सवाल है कि जैसे हमको वो मेल मिला है तो अभी हम उसको कंटिन्यू नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें कि हम कैसे कंटिन्यू करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप, सर आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है, चंद्रभूषण जी लाइन पे हैं। जी हाँ सर, नमस्कार सर, मुझे सबकी आवाज आ रही है सर। जी मेरी आवाज आ रही है सर। जी अभी है ना, जिनको भी जी सर, वो अपना सबसे पहला अपना जो एक एग्रीमेंट है वो साइन करके वो अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। वो साइन करने के बाद आपको वो मेल का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 5 से 10 सेकंड, ऑटोमेटिकली आपका वो इंटर फेस में वो आ जाता है, ठीक है। फिर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन जो आता है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको नया मेल आईडी क्रिएट करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट आपका यूनिक मेल आईडी बनाने के लिए आपको फर्स्ट पेज आएगा, तो यूनिक मेल आईडी के लिए आपको या तो आप अपना सेम मेल आईडी उस पे एंटर रख सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। जी ठीक है, तो उसमें सिर्फ चेंजेस इतना ये रहेगा कि हम लोगों का जो मेल आईडी जो हम लोगों ने ऑन पैसिव में एंटर किया था, रजिस्टर्ड किया है, उसमें @gmail.com था और इसमें हमारा om.ai, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा, सेम मेल आईडी आपका उस यूनिक बॉक्स में आ जाता है, @gmail.com उस पर नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो वो सेम चीज को आप अपडेट करके वो उसको एक्सेस कर पाएंगे, तो आपका इनबॉक्स वाला पेज में एक मेल आएगा, इनविटेशन मेल, ठीक है, कि आपने उसको एक्सेस कर चुके हैं। और अगर आपको कुछ दूसरा यूनिक आईडी बनाना हो मेल आईडी, तो आप अपने नाम के साथ कुछ भी अटैच करके उसको डाल सकते हैं, कुछ भी अल्फाबेट हो, आप कुछ भी ऐसा वर्ड हो, आप उसको डाल के यूनिक वर्ड आप उसको बना सकते हैं, और उसके बाद वो बॉक्स के साइड में, मतलब उसके बॉक्स के ठीक ऑपोजिट साइड में वो omail@omailai.ai वो पहले से ही आपको लिखा है, वो ऑटोमेटिकली आपको ले लेगा, ठीक है। तो ये ऑटो मोड पे ही सारी चीजें हैं, आपको अगर मतलब मेल आईडी आपको क्रिएट करना तो ऑटोमेटिकली उस पे हो जा रहा है, ठीक है। आपको मेल भी आ जाएगा, एक इनविटेशन मेल, जब आप उसका इनबॉक्स में क्लिक करते हैं तो आप उसको स्टडी कीजिए, वो हमारे ऑन पैसिव के बैकएंड की टीम से आपको एक मेल आता है, फिर आप किसी को भी वो मेल अपना मेल आईडी से किसी को भी मेल कर सकते हैं, या तो आप अपने जीमेल में भी आप अपना उस मेल आईडी से मेल करेंगे तो आपका मेल आईडी वहां पे मेल हो जाता है, ठीक है जी सर। तो ये सारी चीजें का अपडेट है जी। इसमें अगर आप मेरे ख्याल से देखो, आप सबका जितना भी ईमेल या जीमेल है या जो भी आपका बना हुआ है पहले से, वो ऑलरेडी यूनिक ही है, और सुजेस्ट तो मैं तो यही करना चाहूंगा कि आप वही सेम रखें, कोई फेरबदल ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि अब तक जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको सारा पता भी, उसका स्पेलिंग भी पता है, सब कुछ पता है, तो बाकी ऑप्शन है आपके पास यूनिक रखने का, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, यूनिक जब आप दूसरा नाम देते हैं तो वहाँ थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो मेरे हिसाब से अगर उस समस्या से बचना है तो आप सेम ही रखें। जी जी जी, डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। सर जा रही मेरी आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल लाउड है, क्लियर। ओके सर, मैं उसे बेसिकली दिल्ली से हूँ, और मुझे ना ये अभी मैं को फाउंडर नहीं बना हूँ, बट इसके बारे में मैं थोड़ा सा सर्वे कर रहा था, और मुझे मेरे कलीग के थ्रू जानकारी मिली थी इसके बारे में, ऑलरेडी वो को फाउंडर बन चुके हैं, तो एक दो मेरे क्वेश्चन थे सर। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये था कि मेरी आईडी लग चुकी है बट मैं अभी उसको मतलब एक्टिवेट नहीं किया हूँ, तो पहला ये क्वेरी था कि क्या जो मेरी आईडी लगी है आज से 2 महीना पहले 1 महीना पहले लगी थी, तो जिस नंबर पे मेरी आईडी लगी थी अगर मैं उसको एक्टिवेट करता हूँ तो मेरी आईडी वहीं से शुरू होगी, या फिर आज मैं अगर एक्टिवेट करता हूँ तो आज से शुरू होगी नंबर ऑफ काउंट? मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा,
ऑन पैसिव में सबसे बड़ा प्रिविलेज आपके लिए यही है कि अगर अभी आपकी आईडी, आप ये दो महीने की बात कर रहे हैं, अगर एक साल पहले की भी है, अगर आपने एक साल पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो भी आपको वही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है, लेकिन ये टाइम जो है, ये जो एक फायदा है, ये जो बेनिफिट है, ये कुछ समय के लिए ही है, यानी जब तक ये हमारी मार्केटिंग कैंपेन अनाउंस नहीं होते। ओके, ठीक है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको वही पोजीशन मिलेगी। अच्छा, एक चीज और है, डेफिनेटली सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और क्लियर भी हुआ। एक और क्वेश्चन था सर, ये जो अपना फाउंडर का कोई सर लिमिटेशन है या फिर मतलब कोई लिमिट नहीं है कि हम इतना तक, जैसे सपोर्टेड अभी 11 लाख हो चुके हैं तो 11 लाख 20 लाख तक हमारा कैपिंग है या फिर 15 लाख तक कैपिंग है, कोई ऐसा है या फिर अनलिमिटेड है? देखिए, ऐसा होता है, जितने भी ये गैंग कंपनीज होती हैं, जो अभी आप देख भी रहे हैं, ये जो कंपनी अगर दिग्गज बनी हुई है तो एक ये डाटा के ऊपर बनी हुई है, ये एक नेटवर्क के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और ऑन पैसिव जो है एक ऐसी कंपनी है जो उनके पूरे मतलब जो परंपरा है उसको बदलने के लिए आ रही है, ठीक है। आज तक किसी ने भी हमें फाउंडर बनने का मौका नहीं दिया है, लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जिसने हर एक व्यक्ति को फाउंडर बनने का मौका दिया है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लिमिट कब तक की है, जब तक कि हमारे मार्केटिंग कैंपेन अनाउंस नहीं होते, जब तक कि हमारा सिस्टम लॉन्च नहीं होता, सेमी लॉन्च की जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है तो ये फाउंडर मेंबरशिप जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कब बंद हो रही है। बाकी लिमिट इसका कोई निश्चित नहीं है कि ये 11 लाख होंगे या 12 लाख होंगे या 15 लाख या 20 लाख होंगे, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। कि मतलब जब तक हमारा लॉन्च नहीं हो जाता तब का हमारा ये चलता रहेगा, जिस टाइम लॉन्च हो जाएगा ये को फाउंडर बंद हो जाएंगे, अदरवाइज जो भी फाउंडर नीचे अगर निकलते हैं तो वो रखा जाएगा, राइट सर? गुड गुड, एक इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्द जो है ये क्राइटेरिया भी सामने आने वाला है, क्योंकि मार्केटिंग कैंप जब शुरू होंगे ना उससे पहले ही हमें इस चीज की भी घोषणा शायद हो जाएगी कि कितना समय तक ये हमारे पास टाइम बचा हुआ है फाउंडर बनने के लिए। और ये अबाउट सेकंड हाफ ऑफ जैन में, सेकंड हाफ ऑफ जनवरी में इसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी। अब सेकंड हाफ का मतलब हो गया अपने 15 तारीख तक के टाइम पीरियड में, इस 15 दिन में हमें क्लियर हो जाएगा मे बी। ओके सर, थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अभी तक जो है ना सिर्फ जो फाउंडर्स थे उनके मुंह से ये चीज मैं सुन रहा था, लेकिन आज एक नॉन फाउंडर जिन्होंने, देखिए नॉन फाउंडर मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है, जब तक आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है आप नॉन फाउंडर हैं, लेकिन एक नॉन फाउंडर के मुंह से ये जो मैं बात सुन रहा हूँ ना अपनी कंपनी के बारे में, तो मुझे बहुत मतलब गर्व हो रहा है वाकई में। आपका जो आपकी जो समझ है वो काबिल तारीफ है, आपने इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, थैंक यू। सुजीत जी ने इस सिस्टम को गहराई से समझा है, परखा है, तभी इनके मन में सवाल आए हैं जो उत्पन्न हुए हैं, जो आज इन्होंने हमारे मंच पे रखे, साझा किए। तो सैल्यूट सर, हमें लगता है कि अगर आप इस सिस्टम में जब इनेक्ट कर जाएंगे तो ब्रेक तो होने होना है हर व्यक्ति को, लेकिन ये सत्य है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर और बहुत अच्छे फाउंडर सिद्ध होंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी आपको, और जी जी सर थैंक यू। हाँ बोलिए जी सर, मुझे एक ही सवाल पूछना था ओ मेल के बारे में, वो ब्यास सर ने मुझे बता दिया है और मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, मैं सर सुनता ही रहता हूँ आप लोगों की बातें। मैंने जब आपने बताया था तब तो मुझे ऐसा लगता था कि ये है पता नहीं क्या है, क्या होगा इसमें आगे, लेकिन आज जो मैं सुन रहा हूँ इस इतने दिनों से वेबिनार को अटेंड कर रहा हूँ रोज, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें कुछ मिलेगा जरूर। मुझसे कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि इसमें कुछ नहीं है, ये बेफालतू की है, तो मैंने कहा इसमें आईडी मैंने ली, जो किया मैंने किया, आपसे क्या मतलब है? बिल्कुल, मैं किसी को किसी की राय नहीं लेता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर,
कि अगर हमारे शरीर में हमारे मतलब इस मतलब जिस्म में कोई परेशानी है, ठीक है, जी, मतलब बुखार है, खांसी है, तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। बस तो बस वही मैं आप मेरा इशारा समझ लीजिए कि अगर हमें कोई तकलीफ है शरीर से रिलेटेड या कुछ हेल्थ से रिलेटेड तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास और हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। तो जी। आप समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, बाकी सारे समझदार हैं यहाँ पे। जी सर। रमेश जी है हरियाणा से, रमेश जी क्या आप सुन पा रहे हैं? रमेश जी हेलो, रमेश जी सर सर गुड इवनिंग, नमस्कार 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 हेलो। हाँ सर, मैं मुझे क्या था तो कल से अगर अगर खुल जाता मैं कल आपके पास भेज दूंगा सर। नहीं, आपकी समस्या क्या थी? हेलो, आपकी समस्या क्या थी रमेश? रमेश जी अपनी समस्या को एक बार रखिएगा, मनोज सर की भी नॉलेज में डालिएगा जो भी आपकी समस्या है। सर मेरी समस्या ये है कि मेरी मेल आईडी एक्सेस नहीं हो पा रही, जो शायद किसी ने हैक कर लिया, उसमें कोई भी मैसेज नहीं आया, सितंबर के बाद कोई मैसेज नहीं आया, ना ही मेरे पास कोई ओटीपी आया। ठीक है, आपका जो फाउंडर है उसका पासवर्ड आपको पता है, वो रिसेट तो नहीं किया था आपने? नहीं सर, वो नहीं कर रहा, वो मुझे पता है सर। मतलब आपने, आप श्योर हो ना कि आपने एक भी बार उसको रिसेट नहीं किया है? नहीं 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 सर, मैंने कुछ नहीं किया, उसमें मेरा वही पासवर्ड है जो शुरू में मैंने बनाया था। ओके ओके, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। कल सारे लोग थोड़ा अनम्यूट कर ले प्लीज, अपने आप को अनम्यूट कर ले। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, एक बात तो ये है कि आप अपने जीमेल को, मेन बात कि जीमेल को असेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो जीमेल को कर पा रहे हैं उनके लिए ही ये मेन पॉइंट है। और अगर आपको अपने ओ फाउंडर का पासवर्ड पता है तो फिर तो बहुत आसान है आपके लिए मतलब अपनी समस्या को कंपनी तक पहुंचाने का और अपना ईमेल चेंज करने का बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन ये सिर्फ 3 दिन के लिए है। होगा क्या, कल से ओटीपी जो है वो हटाया जा रहा है, बिना ओटीपी के आप अपने अकाउंट को असेस कर पाएंगे ओ फाउंडर के को, ठीक है जी सर। अगर आप पासवर्ड पता है तो आप अपना बैक ऑफिस लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपने वहां पे ईमेल चेंज की जो रिक्वेस्ट डालनी है। लेकिन ईमेल चेंज की रिक्वेस्ट डालने से पहले कुछ बातों का आप क्या निर्देश देना चाहूंगा। सबसे पहले जिनकी भी ये समस्याएं हैं, एक ईमेल क्या रखें बना करके, और ईमेल भी बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए, जिसमें आपने अपना एक मोबाइल नंबर जो आप हमेशा रखने वाले हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर एक बहुत यूनिक पहचान है आपकी, इसको कभी ना बदलें, कभी ना चेंज करें, और उस मोबाइल को रख जो आप हमेशा रखने वाले हैं वही नंबर आप अपने रिकवरी सिस्टम में डालें जीमेल के में। तो ईमेल तैयार करने के बाद आप जब लॉगिन करते हैं तो वहां पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, ऐसा सिस्टम बताया जा रहा है कि वहां पे आपका जो ओल्ड, आपका एक तो नाम पूछा जाएगा, नाम अपना जो पुराना वाला जो करंट ईमेल है जो करंट ईमेल सर किया था, ठीक है जी जी, वो ईमेल डालेंगे और उसके नेक्स्ट आप अपना जो नया ईमेल आप चेंज करना चाहते हैं वो डालेंगे, ठीक है जी सर। तो आपका ईमेल चेंज हो जाएगा और उसके बाद 72 घंटे ये जो पूरे होते हैं अपने मेरे ख्याल से बुधवार या बृहस्पतिवार को, तो 72 घंटे के बाद आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, प्लीज ध्यान रखें, एक वेरिफिकेशन मेल आएगा और उसको आपने वेरीफाई करना है, और ये मेल जो वेरिफिकेशन वाला पहले भी आ सकता है, ठीक है, और उसको आपने वेरीफाई करना है और ओटीपी का सिस्टम आपका 72 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा फिर से, जैसे कि अभी आ रहा है उसी तरीके से।
ठीक है ये सर कल से शुरू हो जाएगा बिल्कुल। और जो दूसरा पॉइंट है जिनका मैं थोड़ा सा क्लियर कर ही देता हूं, जिनको अपने ओ फाउंडर का पासवर्ड भी नहीं पता है या रीसेट कर चुके हैं, तो उनको क्या करना है, सेम पहले अपना ईमेल तो तैयार रखना ही रखना है सेम तरीके से, सेम दिशा निर्देश के साथ जो मैं पहले दे चुका। अब उनको क्या करना होगा कि अब एक फॉर्मेट रहेगा जिसमें पहला नाम रहेगा, नाम, उसके बाद जो आपका ओल्ड ईमेल, करंट ईमेल जो जिससे रजिस्ट्रेशन किया था वो, प्लस नया ईमेल, न्यू ईमेल, उसके बाद चौथे नंबर पर आपको ये सबूत देना होगा कि जिस ओ फाउंडर के अकाउंट में आप अपना ईमेल चेंज करवाना चाहते हैं वो आपका ही है। इसके लिए था फोन आ गया था बीच में, सॉरी। अच्छा मैं बता रहा था कि अपने अपलायन को फोन करके उनसे माय टीम में जाकर के जो क्या है आपका जो ईमेल वहां पे शो कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और वो ये सारी इंफॉर्मेशन विद स्क्रीनशॉट आपने एलसी मेंबर को भेजना है, ठीक है। एलसी मेंबर हमारे इस टाइम पर, मौजूदा टाइम पर, नीरज दलवी जी, मुकंद काबरा जी और दिनेश कोटियन साहब हैं, ठीक है। अगर आपके पास उनका नंबर है, किसी के पास भी है, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अगर आपके पास उनका नंबर नहीं है तो आप अपने अपलाइन या उमाशंकर जी को भेज देंगे, उमाशंकर जी आगे भेज देंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें सबको क्लियर होनी होंगी। और मनोज जी इसमें एक चीज और है कि जो रीजन है, ठीक है, वो आप अपने अपलाइन को पूरी तरह से बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके अपलाइन नहीं बता पा रहे हैं तो आप जिनको भी भेजेंगे क्लियर उनको लिख करके भी आप दे सकते हैं, या एक्सप्लेन करके उनको सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट आप उनको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। रीजन, सॉरी, रीजन यहाँ पे बताना भूल गया, रीजन भी आपने वहां पे मेंशन करना है कि आप चेंज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं आपने रीजन करना है, बस आपने रीजन सेम वही लिखना है कि आई एम नॉट एबल टू असेस माय जीमेल अकाउंट ड्यू टू फॉरगेट पासवर्ड, या जो भी आप रीजन लिखना, मतलब उसमें लिखना चाहें कि रिकवरी नंबर नहीं था इस वजह से, छोटी सी लाइन में लिखना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है जी। नेक्स्ट, कि फाइल नंबर अगर दो ऑलरेडी दोनों भी जो है ये कहीं मोबाइल से लॉग इन होती है जी, मेरी आवाज तो आ रही है सर? हाँ जी, हम ये कह रहे हैं कि ये कहीं मोबाइल नंबर, आप सर फिर से आइए, आप ये है कि ये कहीं मोबाइल नंबर अगर दो ईमेल आईडी के साथ कनेक्ट है और दोनों ईमेल आईडी ये कहीं मोबाइल नंबर से खुलती है, तो आगे चल करके दोनों ईमेल आईडी अगर अलग अलग मोबाइल से कनेक्ट लॉगिन की जाएगी तो उस समय क्या दूसरा नंबर उसमें ऐड किया जा सकता है या कोई असुविधा हो सकती है, क्लियर करें सर। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपका फाउंडर साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन पे जा करके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि जो आपका ओटीपी जाएगा वो सेम मेल आईडी पे जाएगा, आपका मोबाइल नंबर अगर 10 आईडी पे भी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में अगर आप चेंज करना चाहे, आप अपना ओ फाउंडर के साइड में जाके सेटिंग ऑप्शन पे आप चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपको रहेगा। ये मेरा इंडिविजुअल क्वेश्चन था सर, क्योंकि मैं और अपनी पत्नी का जो आईडी लगाया हूँ दोनों में ईमेल आईडी में एक ही नंबर ऐड है, इसलिए मैं इस चीज को रखा आपके सामने। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक चीज सारे लोग जान ले कि यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ना कोई यूनिक आईडी है। जितनी भी यहाँ पे फाउंडर का आईडी है वो यूनिक आईडी मेल आईडी से काउंटिंग होता है, ठीक है जी। मोबाइल आइडेंटिफिकेशन जीमेल के लिए है,
आइडेंटिटी एक जीमेल के लिए है, क्योंकि अगर आप जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए वहां पे आपका जो मोबाइल है एक परमानेंट आपके पास वहां पे फीड रहना चाहिए और वो आपके पास एक्टिव रहना चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, ओके सर, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, आ रही है मेरी आवाज आ रही है जी? बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ का नंबर है तो आईडी मेरी लगी हुई है आपके उसमें वो फाउंडर में, तो मेरी आईडी लगी हुई है और खाता है मेरी मैडम का, तो जैसे मेरी अब मेरी दुकान है तो वो पेटीएम फोन पे जो पैसे आते हैं तो वो मैडम के खाते में जाते हैं, तो इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि जैसे मेरी मेल आईडी है तो मैं भी अपना खाता वे अलग खुलवा दूँ कि खुला हुआ तो है पर वो जो पेटीएम या फोन में अलग करवा दूँगा उसी में आ जाए आए करेंगे पैसे। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी खाते वाली बात तो ये है कि आप एक अपना नया खाता खुलवा लें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। और दूसरी बात ये कि अगर एक ही खाता यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, और फिलहाल अभी खाता तो वहाँ पे डालना ही नहीं है, जब खाता डालने की बारी आएगी तो उसका जानकारी दी जाएगी, लेकिन तैयारी करके रखी ली जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी आईडी एक लगी है या दो लगी हैं? मेरी तो जी सर एक ही लगी हुई है, मेरी ही खेमचंद नाम की जी। ठीक है, मतलब मैडम जी के नाम से नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई परेशानी नहीं है, अगर दो आईडी हैं तो आप दो अलग अलग खातों में ले सकते हैं, लेकिन अगर आईडी एक ही है तो आप हाँ जी आपकी जिसमें भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ना वैसे तो जी सर मेरा खाता खुला हुआ है, मेल आईडी मेरी है वैसे तो, पर जो मेरी एक दुकान करता हूँ मैं एक छोटी सी टायर पिंचर की, तो वो जैसे पैसे ऐसे डालते हैं कस्टमर तो वो फोन पे पेटीएम गूगल जो होती है तो वो मैडम के खाते में जाते हैं, उसके उस वो बना रखा मैंने। कोई बात नहीं सर, वो भी चल जाएगा, लेकिन उसका प्रोसेस जो है बता दिया जाएगा आपको जब हाँ जी हाँ जी होने में आएगा ना उस टाइम। हाँ जी, इसकी मीटिंग के द्वारा इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा चीजें बता दी जाएंगी सर। ठीक है, ठीक है सर, सर शुभरात्रि सर। इनेट टू विनेट, शुभरात्रि इनेट टू विनेट, इनेट टू विनेट।